नमस्कार साथियों तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या ख़ास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं और याद रखिए दैनिक जागरण का नेशनल एडिशन है राष्ट्रीय संस्करण है तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप लोग अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लें क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्लास लेट अपलोड होती है कोई समस्या आ जाती है तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाया करेगा लेकिन इतना गारंटी से कह रहा हूं कि आपकी क्लास किसी भी, किसी भी भी दिन की नहीं छूटेगी से स्नान कर पालकी पर निकले रामलला दिन भर चला प्राण प्रतिष्ठा का वैदिक अनुष्ठान स्नान संस्कार में प्रयुक्त हुआ इक्यासी कलशों का जल रामलला ने की यज्ञ मंडप की प्रदक्षिणा परिसर में उड़े आवीर गुलाल सरक राधिवास फस और पुष्पाधिवास भी संपन्न सो सोया अधिवास आज होगा और देखिए एक बात और बता दू आप लोगों को कि सब कहा हो रहा है अयोध्या में हो रहा है और अयोध्या कहाँ देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है राज्यों में बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राजस्थान हरियाणा हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है आठ राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है विधानसभा में 403 सीटें हैं विधान परिषद में 100 सीटें हैं राज्यसभा में इकतीस सीटें हैं लोकसभा में अस्सी सीटें आनंदी बेन पटेल की राज्यपाल है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है यहाँ का क्षेत्रफल आप देखिए चालीस वर्ग किलोमीटर में देखने को मिलेगा अभी तो अयोध्या रामबाय बनी हुई है रामायण से जुड़े दक्षिण के मंदिर में मंदिरों में पी, पीएम ने की पूजा पीएम ने तमिलनाडु में श्री रंग रंगानाथ रंगनाथ स्वामी और रामानाथ स्वामी मंदिर में पूजा की है रामेश्वरम में अग्नि तीर्थ समुद्र तट पर पवित्र स्नान भी किया हुआ है 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 पीएम मोदी ने विद्वानों से रामायण का भी पाठ सुना है। अच्छी बात न्यूज क्लिक मामले में चीनी नागरिकों को भी आरोपित बनाएगी दिल्ली पुलिस न्यूज क्लिक के पत्रकारों व कर्मचारियों से पूछताछ के बाद आरोप तैयार करने में जुटी स्पेशल सेल आप देखते हैं कि इस पर न्यूज क्लिक पर आरोप लगे थे ना कि चाइना से फंडिंग लेता है उससे चलता है ईडी ने सीएम आवास में हेमंत सोरेन से की सात घंटे पूछताछ सात समन के बाद सीएम अपने आवास पर पूछताछ के लिए हुए थे तैयार तो ये झारखंड की बात हो रही है आप देखिए झारखंड रांची इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी बिहार से अलग करके बनाया गया था झारखंड ये भी याद रखिएगा और इसकी सीमा आप देखिए बिहार से लगती है उत्तर प्रदेश से लगती है छत्तीसगढ़ उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगती है पंद्रह नवंबर सन दो में इसे राज्य बनाया गया था ये भी याद रखिएगा विधानसभा में आप देखिए तो कितनी सीटें आपको देखने को मिलेगी यहां इक्यासी सीटें है राज्यसभा में छह सीटें लोकसभा में चौदह सीट है सात सौ सोलह वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और राज्यपाल सी बी राधाकृष्णन और हेमंत सोरेन के चीफ मिनिस्टर हैं है ईडी है। तो डायरेक्टोरेट की बात हो रही प्रवर्तन निदेशालय की और इसकी स्थापना की बात करें अगर हम लोग तो एक मई उन्नीस सौ छप्पन में हुई थी नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा चलिए ऐसी बातें हैं ये आप देखिए रांची में खरीदी गई जमीन के संबंध में ये सवाल पूछे गए से जमीन घोटाले की जांच हो रही है बांग्लादेश की तर्ज पर म्यांमार सीमा से रोकेंगे घुसपेट गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि म्यांमार सीमा पर लोगों को की मुफ्त आवाजाही बंद होगी दस वर्षों में देश की कानून व्यवस्था भारी बदलाव आया है कांग्रेस के शासनकाल में नौकरियों के लिए देनी पड़ती थी रिश्वत आप देखिए म्यांमार की अगर हम बात करें तो आप देखिए लद्दाख हो गया क्या माफ करिए अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर और मिजोरम चार राज्यों की सीमा लगती है हमारी आपको देखने को मिलता है। ले इसकी राजधानी केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी सीमा चाइना अफगानिस्तान पाकिस्तान से लगती है राज्यों में देखिए जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से लगती है जम्मू कश्मीर से अलग करके बनाया गया है ये आप देखिए चेक

एन पी लागू की गई है ओ की तरह एन को भी महंगाई भत्ते से नहीं जोड़ने का सरकार का कोई इरादा नहीं है नेशनल एन पी की बात करें तो नेशनल पेंशन सिस्टम की बात हो रही है ओ मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो रही है एन के तहत सरकार आखिरी वेतन की तीस कितनी पैंतीस से चालीस प्रतिशत राशि पेंशन के लिए कर सकती है निर्धारित सरकार ने एन की समीक्षा के लिए वित्त सचिव का की अध्यक्षता में कमेटी का किया ये गठन चलिए देखिए इसमें आप देखेंगे अगर हम लोग सरकारी आखिरी बे, आखिरी वेतन की तीस पैंतीस से चालीस प्रतिशत राशि पेंशन के रूप में निर्धारित कर सकती हालांकि इस फैसले से सरकार पर वित्तीय बोझ भी पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे कर्मचारी होंगे जिनके एनपीएस फंड में से आखिरी सैलरी कि 35 से 40 प्रतिशत जो भी निर्धारित होती है तब की राशन राशि पेंशन के रूप में देना संभव नहीं होगा ऐसे में फंड से मिलने वाली राशि और न्यूनतम निर्धारित पेंशन राशि के बीच जो अंतर होगा उसकी भरपाई सरकार अपने खजाने से करेगी मान लीजिए किसी व्यक्ति की आखिरी सैलरी एक लाख है सरकार आखिरी सैलरी का चालीस प्रतिशत निर्धारित करती है तो उसे चालीस दी जाएगी लेकिन एनपीएस फंड के रिटर्न के हिसाब से उसे मासिक पैंतीस दिए जा सकते हैं तो बचे हुए पाँच सरकार अपनी खजाने से देगी ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबरें हैं और एक बात याद रखिए आज है संडे और संडे रात आठ बजे हम लोग लाइव आकर जुड़ते हैं तो आपके जो भी सवाल हो सुझाव हो तो आप लोग जरूर तैयार रखिएगा ठीक है बाबा रोड का नाम अयोध्या मार्ग करने की मांग को लेकर लगाया गया पोस्टर कस्टडी की लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान बच्चे को है ये हाईकोर्ट कर रहा है यह नॉर्मल सी बात है कि देखिए जब माता पिता में नहीं बनती है तो उसके बाद जो कस्टडी देने की बात होती है कि किसे दी जाएगी और सबसे ज्यादा प्रभावित आप देखते हैं कि बच्चे ही, ही होते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष पांच दिवसीय यात्रा पर आएंगे भारत चलिए इसके बारे में डेनिस फ्रांसिस की बात हो रही है और इस तरह के जो संगठन है उनके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा जी ए की बात कर रहा हूं मैं यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की बात हो रही है इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में ही देखने को मिलेगा जमानत अर्जी में पूर्व की याचिकाओं का दिया जाए पूरा ब्यौरा ए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जमानत अर्जियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया दिशा निर्देश मुकदमे जों की ओर से सत्य को छिपाने की प्रवृत्ति पर जताई चिंता जमानत अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश दाखिल की गई जमानत अर्जी में पूर्व में दाखिल की गई जमानत अर्जियों और उन पर आए आदेशों का ब्यौरा दिया जाएगा लंबित अर्जियों का भी ब्यौरा दिया जाएगा अगर कोई अर्जी लंबित नहीं है तो साफ तौर पर लिखा जाएगा कि इस संबंध में किसी भी कोर्ट में कोई अर्जी लंबित नहीं है तय व्यवस्था की जमानत जज के, के लिए लगेगी। जमानत, अर्जी में सबसे लिखा जाएगा कि यह जमानत अर्जी पहले पहली है या दूसरी है, तीसरी या कितने नंबर की है ताकि कोर्ट को मामले में, मामले में पेश दलीलों और तथ्यों को समझने में आसानी रहे कोर्ट की रजिस्ट्री में भी जमानत अर्जी के साथ उस मामले में लंबित या डित अर्जियों का रिकॉर्ड सिस्टम से निकालने का साथ कर साथ संलग्न करेगी निजी शिकायतों के मामले में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जांच अधिकारी जिम्मेदार हो जिम्मेदारी होगी कि वह सरकारी वकील को उस मामले में आए अन्य आदेशों और जमानत आदेशों की जानकारी देगा अच्छी बात है और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई 28 जनवरी 1950 सौ पचास में स्थापना हुई थी जयशंकर की फलिस्ती विदेश मंत्री से चर्चा दुई राष्ट्र समाधान का किया समर्थन कि देखिए फलिस्ती अलग देश होना चाहिए इजरायल अलग देश होना चाहिए गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन में शामिल हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर एस जयशंकर साहब सम्मेलन की इतर श्रीलंका के राष्ट्रपति बांग्लादेश के विदेश मंत्री से भी चर्चा की हुई है अच्छी बात है इतिहास रचने को तैयार सेना के तीनों अंगों की महिला सैनिक या मेरे साथ ही टीम की प्रत्येक सदस्य के लिए गौरव का क्षण है कैप्टन संध्या कह रही देश की प्रगति में महिलाओं की भूमिका उनकी क्षमताएं भी आसी हैं थे और एक पहली बार कर्तव्य पथ पर परेड में शामिल होगी दमपत्ती एक बात और आप लोगों को बता दो दे देखिए एक बात आप लोग जान लीजिए क्या जान लीजिए कि महिलाएं हर क्षेत्र में अपना कर्तव्य दिखा पा रही बस उन्हें मौका मिलना चाहिए ठीक है राम मंदिर कार्यक्रम पर गलत सामग्री प्रकाशित करने से बचे सरकार कर रही केंद्र सरकार ने मीडिया इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए जारी किए एडवाइजरी बीआईपी पास दान अभियान और प्रसाद से संबंधित फर्जी खबरों पर लिया संज्ञान एक साल सभी विधानसभा की कार्यवाही डिजिटल करने की तैयारी है बिरला कह रहे छत्तीसगढ़ विधानसभा में आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम में शामिल हुए लोकसभा अध्यक्ष उपराष्ट्रपति तो हर पंद्रह में खरीदनी होगी दस हजार करोड़ रुपए की ईवीएम आप देखिए चुनाव आयोग पत्र लिखकर सरकार को दी जानकारी कहा 2019 से पहले एक साथ चुनाव संभव नहीं है देखिए लोकसभा और विधानसभा के साथ चुनाव करवाने की बात हो रही ना वन नेशन वन इलेक्शन की उसी की बातें हो रही है ये राजनीति की खबरें खूब हो रही है राम मंदिर पर भी आप देख रहे हैं राजनीति खूब हो रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो भारतीय निर्वाचन आयोग है ना जिसे चुनाव आयोग कहते हैं एक संविधानिक संस्था है संविधान के अनुच्छेद तीन के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है कब पच्चीस जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे तो वही चुनाव आयुक्त देखभाल करता है विधानसभा लोकसभा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव की देखभाल राहुल की न्याय यात्रा चल रही है देख रहे हैं आप लोग इसकी पीढ़ी टेलीग्राम पर डाल दूंगा तो आप लोग जाकर देख सकते हैं पढ़ सकते हैं अगर ये दिलचस्पी है क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि भारत तो दुनिया राम भाई बना हुआ है जहां देखो राम की चर्चाएं हो रही है राम को पढ़िए मैं कहता हूं कि राम का जो संघर्ष रहा है उससे आप लोग सीखिए और हम आप क्या है आप सोचिए भगवान ने इतना संघर्ष किया तो हम लोगों को तो संघर्ष करना पड़ता ही है बनता ही है राम से सीखिए सीता से सीखिए राम से मैं कहता हूं कि अगर पुरुष सीखें और महिला सीता सी सीखें तो बहुत कुछ सीख मिल सकती है और अपनी संस्कृति से सीखिए मैं कहता हूँ कितने भी बड़े बन जाइए लेकिन मैं कहता हूँ संस्कृति को मत भूलिए अपनी इंसानियत मानवता भी बनाए रखिए मैं कहता हूँ रविवार विशेष देखिए तंत्र का मिला साथ तो बनने लगी बात भारत न केवल विशाल भूभाग वाला देश है बल्कि विविधताओं से भरा भी है कहीं सुविधाओं से भरे बड़े बड़े शहर हैं तो कहीं सुदूर वन या ग्रामीण क्षेत्र में बसे जनजातीय समुदाय हैं इन जनजातीय समुदायों में भी खासी विविधता देखने को मिलती है तंत्र के रूप में अब सरकार विकास की रेखा इन आदिवासियों के जीवन तक भी खींच रही है पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में आदिवासी कल्याण योजना के अंतर्गत पांच करोड़ की पहली करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है आपदा के अधेरे से निका, निकला स्वामन का प्रयास प्रकाश देख सकते हैं आप लोग मध्यप्रदेश रायसेन में ग्रामीण आमदनी के लिए महिलाओं ने बंदेई महिला आजीविका फार्म प्रोड्यूस कंपनी द्वारा स्थापित मुर्गी पालन की मुख्य इकाई स्थापित की है देखिए नक्स, नक्स के चंगों से निकलकर लोकतंत्र की पहरी बनी कपड़ा ये सब आपके लिए मोटिवेशनल स्टोरी हो सकती है जहां खाने की रोटी नहीं थी वहां जनजातियों को मिले पंख झारखंड में एक गुमला बिसुनपुर भिस, में ग्रामीणों को ड्रोन की जानकारी देते केवी के सदस्य सब ये आपका संपादकीय पाठ है ये आपको प्रेलिम्स में मुख्य परीक्षा में इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुँचाते हैं सबके राम सब राम के ये भव्य राम मंदिर में रामत्व की स्थापना हो रही है राम के आदर्शों के स्थापना का कालखंड आरंभ हो गया है अब आप देखिए राम पर ही चौदह वर्षों का वनवास अतीत व्यतीत अत कर सात सीता अपनी जन्मभूमि लौटे तो ये सब आप लोग सीख सकते हैं ये टेल बता रहा हूँ ये पीडीएफ टेलीग्राम पर डली हुई है तो वहाँ से जाकर आप लोग इसे पढ़ सकते हैं और देखिए अभी आप देखेंगे राम पर ही सब कुछ लिखे जा रहे हैं आर्टिकल डेली तो एक राम मंदिर के बारे में सामान्य जानकारी रखिएगा और जो इतिहास रहा है जो विवाद रहा है उसके बारे में एक सामान्य जानकारी रखिएगा ठीक है क्यों करनी पड़ी इतनी लंबी प्रतीक्षा आखिर स्वतंत्रता के बाद हिंदुओं को श्री राम के लिए कुछ एकड़ भूमि वापस लेने में दशकों का समय क्यों लग गया है तो उसी को लेकर बातें हो रही है दो में फैसला आया ना श्री राम का अवतरण मर्यादा जीवन का सबसे बड़ा गुण भी है और अनुशासन भी है इसके बिना जीवन का कोई मूल्य नहीं है श्री राम की महानता और सर्व व्यापकता का कारण यह है कि राम एक जाति पंथ या मजहब के नहीं पूरी मानवता के इसलिए भक्त कहता है राम मेरे माता भी है पिता भी स्वामी भी है सखा भी और बंधु भी और परमात्मा भी मैं राम के अतिरिक्त ना किसी को जानता हूँ ना जानना चाहता हूँ ऐसे में प्रभु श्री राम की जन्मदात्री अयोध्या सात मोक्षदा पुरियों में प्रथम है रघुगल की परंपरा और श्री राम की मर्यादा ने इसे विश्व विश्ववध्या बनाया है मैं वही कह रहा हूं एक कॉलम अच्छे लिखे जा रहे हैं आजकल सुधारों के विरोध की आदत कांग्रेस की ओर से एक देश एक चुनाव पर विचार विमर्श कर रही पूर्व कर रही पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति को पत्र लिखकर यह है, जो कहा गया है कि संसदीय पिटाली में एक साथ चुनाव के लिए कोई जगह नहीं है वह इसलिए केवल विरोध के लिए विरोध है क्योंकि उन्नीस सौ तक लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा के चुनाव होते हैं होते थे क्या कांग्रेस यह चाहती है कि तब नेहरू और इंदिरा गांधी की ओर से लोकतंत्र को क्षति पहुंचाई जा रही थी सब जानते हैं कि उन्नीस तक जब तक कि एक साथ चुनाव हो रहे थे तब तक उनसे किसी को कोई समस्या नहीं थी सब कुछ सुगम तरीके से हो रहा था कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी ने भी एक साथ चुनाव के विचार का विरोध किया है इससे यही पता चलता है कि वह वह यह भूल गई कि उसने नई तरह की राजनीति का वादा किया था और राजनीति और लोकतंत्र के हित के साथ देश के समय और संसाधनों की बचत की दृष्टि से यह उचित है कि एक साथ चुनाव हो या ठीक है इसलिए संविधान में कुछ संशोधन करने होंगे लेकिन यह कोई ऐसा काम नहीं है जिससे किया जाना निषेध हो यह संशोधन आसानी से हो सकते हैं होना तो यह चाहिए कि कि कांग्रेस समेत अन्य अनेक दल इस बारे में अपने सुझाव देते देते कि एक साल चुनाव कराने के लिए क्या किया जाना चाहिए और इसके स्थान पर भी ऐसा दर्शा रहे हैं जैसे कोविंद समिति ऐसा कुछ करने जा रही है जिससे संविधान अनुमति जिसे संविधान अनुमति ना देता हो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से कोविंद समिति को लिखी कई चिट्ठी की चिट्ठी यही बता रही है कि कांग्रेस को सुधार की किसी भी पहल का बिना सोचे समझे विरोध करने की आदत पड़ गई है यह आदत अंध विरोध का ही परिचार है, परिचायक है इस आदत के चलते वह यह मान बैठी है कि मोदी सरकार कुछ नया कर रही है तो गलत ही कर रही होगी और इसी कारण उसने संसद के नए भवन का विरोध किया और फिर उसने उद्घाटन समारोह का भी और इसके अतिरिक्त किसी कानूनों का भी जबकि खुद उसने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ऐसे ही कानून बनाने का वादा किया था इसी तरह उसके उसने एक समय नागरिकता संशोधन कानून में ही वैसे ही परिवर्तन करने की मांग की थी जैसे कि किए गए और फिर जिनका वो विरोध भी करने लगी है एक साथ चुनाव का विरोध करने वाली बड़ी आसानी से इनकी अनदेखी कर रहे हैं अभी भी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश विधानसभा के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ ही हो रहे हैं आखिर जो काम उड़ीसा और आंध्र प्रदेश हो सकता है वैसे इस देश में क्यों नहीं हो सकता है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का उदाहरण तो यही बता रहा है कि एक साथ चुनाव के विरोध में जो तर्क दिए जा रहे हैं वे नेतांत खोखले हैं ऐसा कहा जा रहा है कि अगर एक साथ चुनाव हुए तो क्षेत्रीय मुद्दे जो वो रहेंगे नीचे हो जाएंगे और राष्ट्रीय मुद्दे ऊपर हो जाएंगे जैसे आप देखिए दिल्ली में देख लीजिए जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो आप देखते हैं आम आदमी पार्टी को बहुमत एक तरफा मिलता है और लोकसभा के चुनाव होते हैं तो सातों सीटें कौन जीती है बीजेपी तो यह कहा जा रहा है कि एक साथ चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी को हो सकता है नुकसान हो तो इसलिए आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है सामरिक सुरक्षा के प्रति सजग तो हिमालयी राज्य उत्तराखंड का बड़ा क्षेत्र सीमांत तो चीन सीमा से सटा हुआ है इन क्षेत्रों का सबसे लंबे समय तक विकास नहीं होने का परिणाम पलायन के रूप में सामने आया है सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से पलायन की समस्या बहुत गंभीर और चिंताजनक है कैंसर केंद्र की सत्ता में मोदी सरकार के आने के बाद इस समस्या के समाधान की पिथि नई इच्छा शक्ति के साथ कार्य किए गए चार धाम ऑल ऑल वेदर रोड प्रयाग रेल लाइन जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं सामरिक सुरक्षा के साथ ही पर्वतीय और सीमांत क्षेत्रों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगी चीन चीन सीमा तक आवाजाही को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए कनेक्टिविटी बेहतर हुई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमांत जिले चमोली में जोशीमठ स्थित एक ढाक क्षेत्र से सात पर्वतीय राज्यों की छह सड़कों और उन

जन्म शून्य बनाने में कसर नहीं छोड़ी अब परिस्थितियां करवट ले रही है और सड़कों के जाल के साथ रेल लाइन और एयर कनेक्टिविटी बढ़ रही है इससे पलायन वापसी की उम्मीद जगी है निर्माण कार्यों की अधिक लागत और प्रदेश की सीमित वित्तीय संसाधन देखते हुए केंद्र को सतत सहायता आवश्यक है मंगल के मध्य बर्फ के भंडार तो बंजार और निर्जीव दिखने वाले मंगल ग्रह के कई रहस्यों को मानव आंखों से देखा देख मानव आंखों से छिपा रखा है वैज्ञानिक उन्नत तकनीक के सहारे इन रहस्यों से पर्दा हटा रहे मंगल ग्रह की भूमध्य रेखा पर मेडुसी फांसी फॉर्मेशन क्षेत्र के एक नए एक नए रडार सर्वेक्षण से पता चला है कि वहां जमीन में दबी हुई बर्फ की विशाल परतें मौजूद हैं जो कई किलोमीटर मोटी है मंगल ग्रह के मध्य भाग के आसपास अब तक पाया गया सबसे अधिक पानी है और इससे जाहिर है कि लाल ग्रह पानी से उतना वंचित नहीं जितना हमने सोचा था और विज्ञानियों का कहना है कि वहां उतना ही पानी दबा हुआ है जितना पृथ्वी के लाल सागर में पाया जाता जा सकता है यदि इसे सतह पर लाकर पिघला जाए तो यह मंगल को एक दशमलव पाँच से दो दशमलव सात मीटर गहरे उथले महासागर में ढक देगा बर्फ के दबे हुए भंडार के संकेत पहली बार 2007 में दो दशमलव सात दो दशमलव पाँच किलोमीटर की गहराई तक पाए गए थे लेकिन तब विज्ञानियों को यह नहीं पता था कि भंडार किस चीज के हैं। नया डाटा डाटा मिलने मिलने और उस डाटा का विश्लेषण करने के लिए नए उपकरण उपलब्ध होने के बाद इन भंडारों की असलियत का पता चला है इसमें सोनियन इंस्टीट्यूशन के भूविज्ञानी थॉमस वाटर्स वाटर्स ने कहा बताया कि हमने मार्स एक्सप्रेस के मार्सिस नए डाटा का उपयोग करके मेडूसी फांसी फॉर्मेशन का फिर से सर्वेक्षण किया है हमने पाया है कि बर्फ के भंडार की मोटाई तीन दशमलव सात किलोमीटर तक है हमारे पिछले अनुमान से अधिक और लाल ग्रह के बारे में हमारी पिछली समझ में भारी परिवर्तन हुआ है जहां भी हम देखते हैं मंगल ग्रह पर अतीत में सतह पर नदियों के रूप में पानी बहने या झीलों महासागरों में पानी जमा होने के प्रमाण दिखाई देते हैं मंगल ग्रह पर अब कोई तरल पानी नहीं है वह सारा पानी कहाँ गया यह एक रहस्य बना हुआ है और आप देखिए क्या क्या वह वाष्प के रूप में अंतरिक्ष में गायब हो गया है या या फिर क्या वह ग्रह के अंदर ही सिमट कर ऐसी जगह पहुंच गया है जहां उसे नहीं देख सकते हैं मिडूसी फांसी फॉर्मेशन में इस प्रश्न के कुछ उत्तर हो सकते हैं विज्ञानियों का यह मानना यह जानना चाहते हैं कि मंगल ग्रह पर पानी कहाँ से मिलेगा जब मनुष्यों को लाल ग्रह पर भेजा जाएगा तो उन्हें जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होगी और यदि वहाँ पहले से ही पानी है तो इससे उन्हें अपने साथ पानी ले जाने की आवश्यकता कम हो जाएगी दुर्भाग्य से मिडूसी फांसी फॉर्मेशन का पानी पहुंच से बाहर है यह हमारी पहुंच की क्षमता से परे मंगल ग्रह की धूल भरी सतह से सैकड़ों मीटर नीचे दबा हुआ है फिर भी यह खोज आशा जगाती है कि मंगल ग्रह पर कहीं और पानी छिपा हुआ है यह खोज वैज्ञानिकों को मंगल के रहस्य रहस्यमय इतिहास को उजागर करने में मदद करेगी अच्छी बात है ये टिप्पणी आ रही थी ये भी आप लोग देख सकते हैं आकारन विवाद आधारहीन तर्क आजकल कथित शंकराचार्य आदि प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना इस आधार पर कर रहे हैं कि अयोध्या में वह प्रभु श्री राम के अर्ध निर्मित मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं ऐसे में आलोचकों को रामायण और श्री राम चंद मानस में वर्णित उन प्रसंगों को देखना चाहिए जिनमें इन तथ्यों की चर्चा की गई समुद्र के किनारे श्रेष्ठ मुनियों की उपस्थिति में श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना और पूजा की थी वहां से कोई वहां तो कोई मंदिर भी नहीं था चलिए श्री प्रभु श्री प्रभु श्री राम का संदेश जल संरक्षण इतिहास के संदूक की चाबी सामान्य समझ बढ़ाने का प्रयास आप देखिए पढ़ना हो तो किताबें खरीद सकते हैं श्री राम कथा की महिमा भारतीय परंपरा में में राम के 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 अनुसंधान ग्रंथ और अनुकरण लिए यह एक प्रमुख ग्रंथ ग्रंथ रूप है जिसका महत्व काल कालातीत है इसमें से लोगों तो की सुहास भी भरी हुई है चलिए अच्छी बात बाहर से कर्ज लेकर घाटी की भरपाई कर रहे हैं राज्य आरबीआई की रिपोर्ट में सामने आई राज्यों के वित्तीय घाटी के प्रबंधन की चिंताजनक तस्वीर और वित्तीय वर्ष 2005-6 में वित्तीय घाटी को के सिर्फ सत्रह प्रतिशत हिस्से की भरपाई होती थी उधारी से वित्त वर्ष 2023-24 में घाटी की भरपाई में उधारी का हिस्सा बढ़कर अठहत्तर दशमलव छः प्रतिशत हो गया गारंटी देने की आदत पर आदत पर अंकुश लगाने की सिफारिश भी की है आने वाली जो सरकारें होंगी उन पर बोझ भी पड़ेगा ये भी कहा जा रहा है राज्यों की उधारी की स्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2019-20 में से 2021-22 के दौरान 2021-22 का बजट बजट आकलन आंकड़ा कुल एक लाख बहत्तर हजार सात सौ तीन करोड़ रुपए का नया कर्ज लिया है जबकि इस दौरान सिर्फ बयालीस हजार एक सौ बीस करोड़ रुपए का पुराने कर्ज को चुका है पंजाब ने इस अवधि में इकहत्तर हजार चार सौ तीस करोड़ रुपए का कर्ज लिया है और सत्ताईस हजार तीन सौ तीन सौ तिरसठ करोड़ रुपए का कर्ज चुकाया है और उत्तराखंड ने बारह सौ बारह हजार पाँच सौ करोड़ रुपए का कर्ज लिया है और दो हजार चार सौ इकहत्तर करोड़ रुपए चुका है साफ है कि राज्य सरकार ने जो कर्ज अभी कर्ज ले रही है उसका भुगतान आने वाली सरकारों को करना होगा उदाहरण के तौर पर आरबीआई का आकलन यह कहता है कि मार्च 2021 की स्थिति के मुताबिक उत्तर प्रदेश को कुल बकाया कर्ज का तकरीबन 48 प्रतिशत राशि का भुगतान अगले वर्षों में में के भीतर करना होगा जबकि उत्तराखंड सरकार इस अवधि बकाया कर्ज का संतावन दशमलव आठ प्रतिशत हिस्से की अदायगी करनी होगी पंजाब को इन वर्षों में तैतालीस प्रतिशत गोवा को अंठावन परसेंट मणिपुर को तैतालीस प्रतिशत करना होगा आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है जिसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं हमारी राष्ट्रीय बैंक है एक अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा भारत में दो हजार में दो की गिरावट एरिडा का शुद्ध लाभ सड़सठ प्रतिशत बढ़कर तीन करोड़ रुपए हो गया है और ईपीएफओ के से नवंबर में तेरह दशमलव पंचानवे लाख सदस्यों ने कर्मचारी सत्र में दो सौ उनसठ अंक सेंसेक्स निफ्टी भी गिरावट में है ये आप देखिए अंतरराष्ट्रीय खबरें हैं और अंतरराष्ट्रीय उठापटक तो चल ही रही है अमेरिका के दो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाएगी हिंदी सिलिकॉन वैली के रोम में लोकप्रिय अमेरिकी शहर कैलिफोर्निया के दो सरकारी स्कूलों में हिंदी भाषा की पढ़ाई का फैसला लिया है फ्रेमोंट में बड़े भारतीय अमेरिकी समुदाय इस फैसले का स्वागत किया है ये आप देखेंगे इसमें आप देखें फेरमोट यूनिफाइड स्कूल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने हिंदी की पढ़ाई के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू की है चलिए अच्छी बात इसमें आप देख सकते हैं हार्नर मिडिल स्कूल स्कूल और हाई के में हिंदी को शामिल किया गया है अपनी सेना ने सेना में नेपाली युवकों की भर्ती नहीं करे रूस नेपाल कह रहा है राष्ट्रपति तो दूर उपराष्ट्रपति नहीं बन सकते निक्की सकती निक्की हली ट्रम्प कह रहे हैं पूर्व राष्ट्रपति ने अपनी भारतवंशी पितु दिनदी के नाम को लेकर उड़ाया मजाक निक्की ने किया पलटवार टम को बताया डरा हुआ असुरक्षित नेता ये बचपन का नाम बिन बिन नमता निक्की गंदा बात 1960 के दशक में भारत के पंजाब से अमेरिकी अमेरिका जा से माता-पिता की संतान है निक्की हेली अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या कम करेगी कनाडा सरकार कनाडा में चौ कितना तीन लाख चालीस हजार भारतीय छात्र पढ़ रहे हैं इन पर पड़ेगा सर्वाधिक असर भारत ने शुरू की अमेरिका अमेरिकी की म्यूजिक डेमो डिप्लोमेसी म्यूजिक डिप्लोमेसी 2024 की शुरुआत भारत ने की है सैने मेट्रोग्राफर की हत्या के लिए दोषी ठहराए गए एलेग वाले हॉलीवुड अभिनेता एलेक वाल्डन की मुश्किलें और बढ़ गई ईरान ने सबसे ज्यादा ऊंचाई तक जाने वाले सैटेलाइट लॉन्च किया है अंतर महाद्वीपीय मिसाइल विकास को लेकर पश्चिमी देश आंंकित हैं गाजा युद्ध के बीच ईरान के कदम से तनाव बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है एक खेल के क्षेत्र की, की खबर है देख लिया अगर यह किस खिलाड़ी का किससे संबंध है यह जरूर याद रखा करिए अलकराज चौथी दौर में सियाते हुई बाहर कार्लोस अब कैस कैस का कैस्कानोबिक से होगा सामना महिलाओं में तीस भरीय एगार को पचासवें नंबर की लिंडा ने चौंकाया सिकंदर राजा के बाद गुरुबाज की आंधी उमड़ी में एम आई भारत की जीत में चमके कानपुर के आदर्श अंडर 19 विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को चौरासी रनों से हराया उदय और आदर्श के तक स्वामी पांडे ने झटके चार विकेट ये आप देखिए चिराग साधवे की जोड़ी इंडिया ओपन के फाइनल में पहुंच चुकी है भिक्षावीति छुड़ाकर बच्चों के जीवन में शिक्षा का संगीत घोल रही है संगीता अच्छी बात है इस तरह की मुझे लगता है कि आप अगर स्थिति पर पहुंच जाए पर तो आप भी इस तरह के कदम उठा सकते हैं क्रिकेट का विज्ञान समझने वाले ही पिखर बनते हैं और भारत की रंगों में क्रिकेट बहता है कार्यालयों में कार काम करते समय ट्रेन या बसे में सफर करते समय आप देखते हैं ना तो ये देखते रहते हैं और इन दिनों चर्चाओं में उभरते क्रिकेट पेखर चतुर्वेदी की है जिन्होंने बिहार ट्रॉफी के फाइनल में चार रनों का आंकड़ा स्कोर बोर्ड पर टांगते हुए कीर्तिमानों की किताब में एक पन्ना अपने नाम किया है उन्होंने सिर्फ ना सिर्फ युवराज की सिंह का 24 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़िया बल्कि दिग्गज बल्लेबाज ब्रान लारा के साथ उनकी तुलना होने लगी है मेडिकल की पढ़ाई के साथ शोध के फलक पर चमके हिमांशु पढ़ाई कर कॉरपोरेट नौकरी ऊंचा बेतर नई पीढ़ी को बहुत आकर्षित करती है लेकिन इस पीढ़ी में हिमांशु जिंदल जैसे युवा भी है जो स्वेच्छा से शोध की ओर कदम बढ़ाते हैं मेडिकल की पढ़ाई पर करते हुए मेडिकल छात्र हिमांशु की तेरह पेपर इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित हैं जीका जेनेटिक्स एंड नॉम आर टी पी सी आर सहित कई मामलों में लिख चुके हैं पेपर पेपरें है। अच्छी बात है यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है परीक्षा के पॉइंट भी सही पॉइंट मिल जाते हैं मौलिक संरचनाओं के अधिकारों के लिए लागू हुआ था कॉपीराइट कानून उन्नीस में आज ही के दिन स्वतंत्र भारत स्वतंत्र भारत का पहला कॉपीराइट अधिनियम उन्नीस सौ लागू हुआ था ये अधिनियम मौलिक रचनाओं के अधिकारों को सुरक्षित करना कानून का उल्लंघन करने पर कम से कम छः महीने की जेल और पाँच या कितना पचास हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है इसको लेकर लोग जागरूक हो सकें अमेरिका में लॉन्च हुई पहली परमाणु ऊर्जा संचालित पंडुब ए 1954 में आज ही के दिन विश्व की पहली परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बी यूएसए नॉटिकल को अमेरिका की तत्कालीन प्रथम महिला मैमी आइजन आइजन हाइबर ने लॉन्च किया था 30 सितंबर 1954 को नॉट नॉटिलस नौ, अमेरिकी नौसेना शामिल होने वाली पहली परमाणु पनडुब्बी बनी इससे नई परंपरा की शुरुआत हुई और पृथ्वी नारायण से लेखन के जरिए अन्याय का किया विरोध उड़िया भाषा की प्रसिद्ध लेखिका पृथ्वा राय का जन्म उन्नीस में आज उड़िया के जगत सिंहपुर में हुआ था अपने उपन्यासों के माध्यम से सामाजिक अन्याय भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज बुलंद की उड़ीसा राज्य की बोड़ा पहाड़ियों के बोड़ा जनजाति पर उनके निजातीय निशास्त्रीय अध्ययन को अधिभूमि नाम से प्रकाशित किया पृथ्वा राय का उपन्यास मगनमती उन्नीस में चक्रवात पर आधारित था ये उनकी सबसे अच्छी रचना मानी जाती है और आप देखते हैं कि उनको 2011 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दो हजार में पद्म पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था ये भी आपको देखने को मिलेंगे अच्छी बात है नाशपाती से तैयार ते, हो होगा सिरका किसानों को होगा इसका लाभ अच्छी बात है ये भी नौ नॉनी विश्वविद्यालय सोलन के विज्ञानियों ने पाई सफलता पेटेंट प्राप्त करने के लिए की जा रही है लिए जा रहे हैं तैयारिये अच्छी बात है इसमें अंगूठी से लेकर पेंसिल की नोक तक में राम मरीजों के इलाज की पर्ची तैयार करेगा चरक डिजिटल ट्रेन उपकरण आई आई इंदौर द्वारा विकसित चरक डिजिटल ट्रेन तकनीक एम्स में की गई प्रदर्शन परस्न, परसनाइल्ड इलाज और डॉक्टरों की कमी की भरपाई करने में मददगार होगी ये तकनीक बड़ी परेशानी अब दिल को भी जकड़ रही है टीवी वी लक्ष्मीपत सिंघानिया हृदय रोग संस्थान में दो वर्ष तक पैंतीस मरीजों पर किया गया सो दिल दिल की तीनों दीवारों पर उभर आते हैं नसों के गुच्छे पैंतीस प्रतिशत ही रह जाती है पंपिंग हार्ट की पंपिंग कम होना सांस फूलना वजन कम होना धड़कन होना पैरों में सूजन लेटने में दिक्कत ये लक्षण है इसके जलवायु परिवर्तन के चलते छह माह घट सकती है उम्र अनुसंधान कह रहा है देखिए बहन की अनोखी वसीयत भाई ने दान किए पचहत्तर करोड़ अहमदाबाद दस गुना अधिक कार्बन अवशोषित कर रही है काई बन रहा है जैव जैव ईंधन व उपयोगी उत्पाद वायु फ्यूल पशुओं के चारे और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में भी कारगर है और आप देखिए औद्योगिक इकाइयों का कार्बन उत्सर्जन कम करने में सबसे अधिक कारगर है चलिए अच्छी बात है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में कहा जा रहा है ये मूवियों से जुड़ी हुई खबरें हैं पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़ पेपर की कहानी खत्म होती है आप लोग पढ़ते रहिए इंजॉय करते रहिए और रात आठ बजे ज़रूर आप लोग मिलिए अपने सवाल तैयार रखिएगा धन्यवाद